ट्रांसफॉर्मर्स कॉइल्स में लिपटे एक आयरन कोर रिंग से बने होते हैं। पहली कॉइल एक एसी इनपुट वोल्टेज से जुड़ी होती है, इसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और दूसरी कॉइल एक लोड रेजिस्टेंस के साथ आउटपुट सर्किट से जुड़ी होती है, इसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। दोनों कॉइल्स एक दूसरे से अच्छी तरह इंसुलेटेड होती हैं और इनके बीच कोई फिजिकल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। इनकी वजह से ही ट्रांसफार्मर को उसकी यूनिक इलेक्ट्रिसिटी ऑल्टरिंग प्रॉपर्टी मिलती है। ट्रांसफार्मर्स किसी भी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में टर्न्स की संख्या सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा होती है, और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल्स में टर्न्स की संख्या सेकेंडरी कॉइल से कम होती है। एसी वोल्टेज सोर्स से उत्पन्न लगातार चेंज होने वाले करंट ट्रांसफार्मर के कोर में एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है। प्राइमरी कॉइल के अल्टरनेटिंग करंट द्वारा उत्पन्न ये मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफार्मर कोर में फ्लक्स उत्पन्न करता है। सेकेंडरी कॉइल वापस फ्लक्स को करंट में बदल देती है और सेकेंडरी सर्किट में लोड या रेजिस्टेंस पर एक वोल्टेज प्रोड्यूस करती है। अगर प्राइमरी कॉइल की तुलना में सेकेंडरी कॉइल में कम कॉइल टर्न्स हों, तो इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस केस में सेकेंडरी सर्किट में रिजल्टिंग वोल्टेज प्राइमरी की तुलना में कम होगा। इस उदाहरण में हमारे पास प्राइमरी कॉइल पर 20 टर्न्स और सेकेंडरी कॉइल पर 10 टर्न्स हैं। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हुई वोल्टेज की कमी को हम एक सिंपल रेशियो फार्मूला यूज करके जान सकते हैं। ये फार्मूला कहता है कि सेकेंडरी वोल्टेज का प्राइमरी वोल्टेज से रेशियो सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के टर्न्स के रेशियो के बराबर होता है। इसे रीअरेंज करके 10 टर्न्स को 20 टर्न्स से डिवाइड करने पर हमें 0.5 मिलता है, जिसे हमें 120 वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है। ये हमें 60 वोल्ट्स का स्टेप डाउन वोल्टेज देता है।